हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज देखेंगे मैरी पार्कर फॉलेट की मैनेजमेंट डेफिनेशन को। मैरी पार्कर फॉलेट जो है वो पॉलिटिकल और सोशल फिलोसोफर थे। इन्होंने जो है एक नया कॉन्सेप्ट दिया नेचर ऑफ मैनेजमेंट का। जो इनका कंसेंट था वो था कंटिन्यूस प्रोसेस का, स्टैटिक नहीं था, यानी कि जो लगातार चलने वाला प्रोसेस है वो प्रोसेस, एक रुका हुआ प्रोसेस नहीं हो। और जो इनके मुताबिक बेहतरीन तरीका है, फ्रूटफुल वे है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का, वो है इंटीग्रेशन, कॉम्प्रोमाइज़ या डोमिनेशन ना हो, यानी किसी एक की मर्ज़ी ना चले या दूसरा कॉम्प्रोमाइज़ ना करे एक के आगे, बल्कि इंटीग्रेशन हो, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट किया जाए, मिल के उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए। इंटीग्रेशन जो है वो ज़रूरी है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। इंटीग्रेशन के बगैर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होगा। दोनों पार्टीज़ को जिनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उनको नए तरीके ढूंढना चाहिए कि उन किस तरीके से वो अपने कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर सकें। अब इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन के लिए जब वो इंटीग्रेट करेंगे तो नए तरीके ढूंढेंगे किस तरीके से वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म कर सकें। मैरी पार्कर फॉलेट ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है ह्यूमन कोऑर्डिनेशन को भी और सोशल प्रोसेस को भी ऑर्गेनाइजेशन में। जाहिर बात है, अब इंटीग्रेशन जैसा कॉन्सेप्ट दिया है कि इंटीग्रेशन होनी चाहिए कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए, कॉम्प्रोमाइजेशन या डोमिनेशन नहीं होता। अब ऐसी चीज़ें जो है ये सारी ह्यूमन कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड हैं। ह्यूमन कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है और सोशल प्रोसेस भी ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और ये जो है स्टॉन्च सपोर्टर थी ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट की। ये थी कुछ डिटेल मैरी पार्कर फॉलेट की डेफिनेशन के बारे में। अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। इस वीडियो में अगर कुछ मिस्टेक लगती है तो उसको भी कमेंट में ज़रूर हाईलाइट कीजिए और शेयर कीजिए, जो स्टूडेंट्स मैरी पार्कर फॉलेट की मैनेजमेंट डेफिनेशन को सीखना चाहते हैं।